मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ यार मैं आज आपके सामने लेक्चर नंबर 5 लेके इस सीरीज का, जिसमें हम देखेंगे कि आईपी वर्जन 6 जो है वो कितने टाइप का होता है, राइट। और दोस्तों सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव लेक्चर ये मैंने बनाया, बहुत डिटेल में बनाया है। आप ये समझिए कि एक किताब को जब आप 5 घंटे पढ़ेंगे उसमें जितना कंटेंट आप कवर कर पाएंगे वो सारा कंटेंट आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं। यानी 5 घंटे की मेहनत आपकी बच जाएगी, आप सिर्फ ये लेक्चर देख लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भैया कितने टाइप का आईपी एड्रेस होता है, इसे आईपी वर्जन 4 से कंपेयर करके बताऊंगा कौन सा किसके बराबर है, सारी चीजें हम आज तफसील से देखेंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं कि टाइप ऑफ आईपी वर्जन 6 एड्रेसेस कितने टाइप के इसमें आईपी वर्जन 6 एड्रेसेस होते हैं। तो यार अगर मैं आईपी वर्जन 4 की बात करूं तो वहां पर भी 3 ही टाइप होती थी। पहली होती थी यूनिकास्ट आईपी एड्रेस, दूसरी होती थी मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस और तीसरी होती थी ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। तो वही तीनों यहां पर भी है, बट यहां पर जो कॉन्सेप्ट है भैया वो ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो चुका है। इसीलिए मैंने ये जो इमोजी बनाया ये बड़ा सैड वाला बनाया है, इसका बेचारे का मुंह लटक गया है कि मैं तो हुई नहीं इसमें, राइट। तो आईपी वर्जन 6 के बारे में ये एक दिलचस्प बात है कि भैया यहां ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, राइट, या कोई ऐसी आईपी नहीं होती है जिसे आप ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस कह सके। यहां पे जो 3 आईपी एड्रेस आपको दिए गए हैं वो है यूनिकास्ट आईपी एड्रेस, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस और एनीकास्ट, एंड दिस वन इज न्यू, ब्रॉडकास्ट की जगह ये यहां पे आ गया है आईपी वर्जन 6 के अंदर, जो आईपी वर्जन 4 में नहीं था। या आप ये कहें कि वहां भी 3 टाइप थी, यहां भी 3 टाइप है, लेकिन यहां पर ब्रॉडकास्ट की जगह एनीकास्ट आ गया। पर आपने ये नहीं समझना कि भैया जो ब्रॉडकास्ट काम करता था वो यहां पर एनीकास्ट करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एनीकास्ट एक नए मतलब से बनाया गया है। और ब्रॉडकास्ट यार हमने क्यों नहीं रखा, इसका रीजन मैं आपको बता दूं, आप पहले लेक्चर मेरे आईपी वर्जन 6 के पढ़ चुके हैं, सारा कुछ देख चुके हैं, 128 बिट का ही आईपी एड्रेस होता है, बहुत बड़ा आईपी एड्रेस होता है। तो यहां पे यार अगर आप ब्रॉडकास्ट की एक रेंज बना देते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज़ नेटवर्क बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े-बड़े नेटवर्क हैं, हजारों लाखों कंप्यूटर आप एक नेटवर्क के अंदर लगा सकते हैं। और यहां पे ब्रॉडकास्ट बनाने का मतलब ये हो जाएगा कि हजारों लाखों को ब्रॉडकास्ट कर रहे हो आप, और ऐसी सिचुएशन नहीं आती। और अगर आएगी भी तो वो यहां से मैनेज हो सकती है, मल्टीकास्ट से ही वो मैनेज हो जाएगी। अगर आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं तो मल्टीकास्ट से ही आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ब्रॉडकास्ट कुछ नहीं है, एक स्पेशल टर्म है मल्टीकास्ट का ही, राइट, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट में आप एक ग्रुप को मैसेज भेज रहे हैं, तो मल्टीकास्ट वो ब्रॉडकास्ट ही है एक काइंड ऑफ। अगर आप बड़े लेवल पे देखें तो ब्रॉडकास्ट का मतलब है सभी को भेजना, और मल्टीकास्ट में आप एक ग्रुप को भेज रहे हैं, तो वो ग्रुप में सभी लोग अगर आप उसमें हैं तो वो आप उसके थ्रू भेज सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक कॉलेज के अंदर 1000 बच्चे हैं, राइट, तो अगर मैं एक ही बच्चे को पढ़ा रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड यूनिकास्ट। मैं एक क्लास को पढ़ा रहा हूं दैट इज कॉल्ड मल्टीकास्ट, क्योंकि मैं पूरी यूनिवर्सिटी को नहीं पढ़ा रहा, 1000 बच्चों को नहीं पढ़ा रहा या 10000 बच्चों को नहीं पढ़ा रहा जो पूरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मैं एक क्लास के अंदर जहां पे कंप्यूटर नेटवर्क्स की क्लास चलती है, जहां 100 बच्चा बैठता है, मैं उनको पढ़ा रहा हूं, तो मैं उस 10000 या 1000 बच्चों में से 100 बच्चे को पढ़ा रहा हूं, दैट इज मल्टीकास्ट, कि मैं ग्रुप को पढ़ा रहा हूं। ब्रॉडकास्ट का मतलब है मैं 10000 को पढ़ा रहा हूं। बट यहां पे क्या है कि यहां मल्टीकास्ट में ही वो चीज आ गई। कहने का मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी में अगर आपने 10000 बच्चों को एक साथ पढ़ाना है तो वो 10000 का भी एक ग्रुप ही तो है, वो एक ग्रुप है, वो 100 का ना होके एक 10000 का ग्रुप है। आपने 10000 बच्चों को पढ़ाना है तो वो 10000 बच्चों को आप मल्टीकास्ट से भी पढ़ा सकते हैं, राइट। तो मल्टीकास्ट का ब्रॉड टर्म ही तो ब्रॉडकास्ट होता है, उसका एक बड़ा एक इलैबोरेट अगर आप कर दें तो यहां वो काम आप मल्टीकास्ट से बड़े इजीली कर सकते हैं, तो हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। तो हमने आईपी वर्जन 6 में ये जो है ब्रॉडकास्ट इंजन आपको हमने हटा दिया, इसलिए नाराज हो गए कि यार मुझे तो आपने मौका ही नहीं दिया आईपी वर्जन 6 में, बट उसकी जगह एक नया बंदा हमने यहां पे ले आए हैं, दैट इज कॉल्ड एनीकास्ट। तो इसका काम भी हम देखेंगे कैसा होता है, राइट। तो 3 तरीके के आईपी एड्रेस हमारे पास होते हैं आईपी वर्जन 6 में। फर्स्ट वन इज यूनिकास्ट, सेकंड वन इज मल्टीकास्ट एंड थर्ड वन इज एनीकास्ट, राइट। अच्छा अभी आप लोग पूछेंगे कि यार वहां पे हम तो पब्लिक आईपी पढ़ते थे, प्राइवेट आईपी पढ़ते थे, मेरे भाई वो सब कुछ आएगा, लेकिन वो एक टाइप होती है अलग से, स्पेसिफिक टाइप है। अभी हम ब्रॉड लेवल पे पढ़ रहे हैं। यूनिकास्ट का मतलब होता है 1-to-1, मल्टीकास्ट का मतलब होता है 1-to-many, राइट, और ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है 1-to-all, तो वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो 1-to-all करना है तो मल्टीकास्ट से ही आप कर सकते हैं। ये बात आई होप आपको समझ आ गई होगी, बड़ी डिटेल में मैंने समझाई है, और फिर भी नहीं समझ आई तो यहां पे बहुत कुछ लिखा है, अभी पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो
टाइप ऑफ आईपी वर्जन 6 में भैया तीन टाइप मैंने बनाई है, यूनिकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट आईपी वर्जन 6 एड्रेस एंड एनीकास्ट एड्रेस। यूनिकास्ट की भी फिर तीन अदर टाइप होती है, दैट इज ग्लोबल एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस एंड यूनिक लोकल एड्रेस। इसको हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। यानी कहने का मतलब ब्रॉड लेवल पर तीन चीजें होती है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड एनीकास्ट। और वो जो पब्लिक प्राइवेट और वो सब होता है ना, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी या फिर अपीपा जो होता था ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी, वो सब भैया यहां पे आएगा। यानी यूनिकास्ट का पार्ट है वो, पब्लिक प्राइवेट सब कुछ। उसके अलावा अगर मैं इसे कंपेयर करूं आईपी वर्जन 4 के साथ, तो आपको पता है कि आईपी वर्जन 4 में क्या होता था, आईपी वर्जन 4 के अंदर क्लासेस होती थी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। अगर आपको मेरा लेक्चर याद हो तो आपको पता है कि मैंने बोला था भैया यही तीनों क्लास हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्लास डी जो होती है वो यूज नहीं होती क्योंकि वो मल्टीकास्ट के लिए इस्तेमाल होती है, राइट, और क्लास ई जो है वो रिसर्च के लिए इस्तेमाल होती है। तो जनरली आप क्लास ए बी सी इस्तेमाल करते थे। अगर आपने किसी को ब्रॉडकास्ट करना होता था तो उस क्लास का, जैसे क्लास 10 का आपके पास है तो आप यहाँ पे 255 कर देते थे होस्ट पार्ट को, तो वो ब्रॉडकास्ट के लिए काम आ जाता था, राइट। तो वो तीनों क्लासेस में होता था। तो इसी तरीके से यहां पर क्या होगा, यहां पर हमने मल्टीकास्ट के लिए ये हमने ले लिया, एनीकास्ट हमारे पास एक अलग पर्पज के लिए है, और ये जो ए बी सी क्लासेस है वो यहाँ पे इधर आ जाएंगी, ग्लोबल में, लिंक में, यूनिक में, राइट। तो यहां पे क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आईपी वर्जन 6 में क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, राइट। तो आइए सबसे पहले आते हैं फर्स्ट टाइप पे, जो कि है यूनिकास्ट आईपी एड्रेस। तो ये क्या होता है भैया, ए यूनिकास्ट एड्रेस इज यूज्ड टू रेफर टू ए सिंगल होस्ट। होस्ट को यहां पे आप कंप्यूटर समझ सकते हैं। इट इज मेंट टू सेंड डेटा टू ए सिंगल डेस्टिनेशन। यानी जब भी आपको वन टू वन कम्युनिकेशन करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कम्युनिकेट करना है और आप नहीं चाहते कि वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को जाए, तो आप यूनिकास्ट का इस्तेमाल करेंगे। और जनरली सारी आईपीज जो कम्युनिकेट करती हैं वो यूनिकास्ट की हेल्प से ही करती हैं। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली आईपी भी यूनिकास्ट आईपी ही है, राइट। यहां पे आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि ये एक कंप्यूटर है और ये इस कंप्यूटर के साथ बात करना चाहता है, ए सिस्टम जो है वो बी सिस्टम के साथ बात करना चाहता है, तो वो यूनिकास्ट की हेल्प से कर सकता है अगर वन टू वन कम्युनिकेट करना है। अगर वो इसकी जगह इससे बात करना चाहता है तो वो इससे भी कर सकता है, राइट, तो वो इससे भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये वन टू वन कम्युनिकेशन जब आपने करना है तो आप यूनिकास्ट आईपी एड्रेस का ही इस्तेमाल करेंगे, राइट। उसके बाद जो सेकंड क्लास आती है, दैट इज मल्टीकास्ट एड्रेस। एंड ए मल्टीकास्ट एड्रेस कैन बी यूज टू डिलीवर ए पैकेज टू ए ग्रुप ऑफ डेस्टिनेशन। मैंने बताया था वन टू मैनी, जब आपको बहुत सारे लोगों को एक ही कॉमन इंफॉर्मेशन भेजनी हो तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। मल्टीकास्ट आईपी कहां इस्तेमाल होती है यार, आजकल जितने सारे ये जो चल रहे हैं, आप देख रहे हैं टीवी चैनल चलते हैं, हॉटस्टार चलता है, ये क्या है, ये सब मल्टीकास्ट आईपी का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक सिंगल इंफॉर्मेशन सबको भेजनी होती है। टीवी मैच आ रहा है, क्रिकेट का मैच आ रहा है, तो वो क्रिकेट का मैच आपके टीवी पे भी चल रहा है, आपके मोबाइल पे चल रहा है, दूसरे के मोबाइल पे चल रहा है, सबके मोबाइल पे चल रहा है, तो वो कैसे चल रहा है, वो सेम एक मल्टीकास्ट आईपी पे उसको भेज दिया जाता है। अगर आपको वो मैच देखना है तो आप हॉटस्टार को लॉगिन करो, आपको भी एक मल्टीकास्ट आईपी वहां से एलोकेट कर दी जाएगी और वो आपके मोबाइल पे आपको वो मैच लाइव दिखने लगेगा। तो मल्टीकास्ट का मतलब है जब पूरी दुनिया में लोगों को एक ही इंफॉर्मेशन दिखानी हो एक टाइम पे, कोई लाइव इवेंट चल रहा है, कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है या कोई मूवी चलानी है आपको, सबको दिखानी है, तो वो आप मल्टीकास्ट आईपी के थ्रू दिखा सकते हैं। तो इसकी अब रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज आजकल हर चीज मोबाइल पे आने लगी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए इतने सारे मूवी देखने के लिए, नेटफ्लिक्स आ गया है और बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो वहां पे मल्टीकास्ट आईपी की ही जरूरत है, इसलिए इसको भी अलग से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये और इसकी पूरी रेंज दी गई है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना भूल गया यूनिकास्ट के बारे में, कि यूनिकास्ट की जो रेंज है वो 2001 से स्टार्ट होती है, बट वैसे जो इसकी रेंज है वो 2000 होती है। यानी कहने का मतलब जो प्रीफिक्स है, क्योंकि हमारा 128 बिट का आईपी एड्रेस होता है, तो जो 2000 है, 2000 दिस इज फिक्स्ड स्लैश 3 आप कह सकते हैं, ये फिक्स्ड है। यानी ये जो 2 है 0010, ये जो 3 बिट है 2 के लिए, क्योंकि ये भी 4 बिट से मिलके बना है, ये भी 4 बिट से बना है, ये भी 4 बिट से, ये भी 4 बिट से, बट ये तो 00 ही है, तो यहां पे ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। अगर इस
2000 की मैं ये जो हेक्साडेसिमल में लिखा है इसकी बाइनरी करूं तो इसकी बाइनरी ये बनेगी। तो यहाँ पे जो ये स्टार्टिंग 3 बिट है जो 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे पूरा 4 बिट का होता है ना ये एक वैल्यू, 2 जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो ये जो स्टार्टिंग के 4 बिट आप कह लें या 3 बिट आप कह लें ये फिक्स्ड होते हैं, ये 001 जो है दिस इज फिक्स्ड। तो यूनिकास्ट के लिए 001 फिक्स्ड है, उसके आगे के सारे बिट आप चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं। तो जो 2000 जो है ये इसकी रेंज है, बट आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आपने अगर किसी से कम्युनिकेट कराना है तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को 1 से स्टार्ट करेंगे, तो आंसर जो आएगा वो ये तो ये 2001 हो जाएगा। तो जो आपका यूनिकास्ट एड्रेस स्टार्ट होंगे वो 2001 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये वैल्यू तो आपकी चेंज नहीं होगी, ये तो 2 रहेगी, बाकी 00 आपने यहाँ पे रखा और यहाँ आपने 1 से स्टार्ट किया तो वैल्यू बन जाएगी 2001। तो प्रैक्टिकली आप यहाँ से देना स्टार्ट कर सकते हैं किसी को भी आईपी एड्रेस, आप 2000 नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ से तो एक आप जैसे नेटवर्क आईडी होती थी वहां पे, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि ये नेटवर्क आईडी है, इसे आप किसी को नहीं दे सकते। तो 2000 से आगे जो वैल्यू है, 1 से जो स्टार्ट है 2001 2002, ये सारी वैल्यू आप दे सकते हैं यूनिकास्ट के अंदर। 2 कभी चेंज नहीं होगा स्टार्टिंग का 2, क्योंकि ये स्टार्टिंग जो 3 बिट है 001 ये फिक्स्ड है यूनिकास्ट के अंदर, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो इसकी रेंज जो स्टार्ट होगी वो 2001 से स्टार्ट होगी। ओवरऑल ये 2000 डबल सेमी डबल कॉलन स्लैश 3 होता है जो फिक्स्ड होता है, बाकी उसके बाद आप 1 से स्टार्ट करें, 2 कर दें, 3 कर दें, ये वाला जो बिट है 1 की जगह, तो वो आप कितना भी यूनिकास्ट के अंदर ले सकते हैं। तो ये भी आपको समझ आ गया। उसके बाद मल्टीकास्ट पे आते हैं। सो मल्टीकास्ट आपको समझ आ गया, 1 to many होता है। मल्टीकास्ट एड्रेस विल बी डिलीवर टू एवरी होस्ट दैट हैज जॉइंड दैट पर्टिकुलर ग्रुप, राइट। तो ये हर उस होस्ट को दिया जाएगा जो उस ग्रुप के अंदर है। तो अगर आप ब्रॉडकास्ट कराना चाहते हैं, अभी आप 100 बच्चों को पढ़ा रहे थे तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है 10,000 बच्चों को एक साथ पढ़ा देता हूं, सारे आ जाओ, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें उस ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, उन्हें उस क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी मैं 100 बच्चे पढ़ा रहा हूं, मैं बोलता हूं ठीक है सबको एक बड़े ऑडिटोरियम में बिठा दो, 10,000 बच्चे अब एक साथ पढ़ेंगे, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें मेरी क्लास में आना पड़ेगा, राइट। तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, मैं 10,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं 100 की जगह, तो वहां पे एक स्पेशल केस आप कह सकते हैं। तो मल्टीकास्ट का ही एक स्पेशल केस हो जाता है जिसमें आप ये कहते हैं कि जो जो होस्ट इंफॉर्मेशन लेना चाहता है या उस पैकेट को रिसीव करना चाहता है वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, राइट। तो यहां पे अलग से हमें ब्रॉडकास्ट की जो रेंज है वो बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहां पे आप देख रहे हैं जैसे कि एक ग्रुप है उसके अंदर ये 4 पीसी हैं, तो इन चारों को ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर एक नया पीसी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है तो उसको भी ये इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी, तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। और ये जो इसकी रेंज है दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। ये जो स्टार्टिंग के FF है ये भी 4 बिट का है, ये भी 4 बिट का है, यानी टोटल हो गए 8 बिट। ये फिक्स्ड होते हैं, ये वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है, बट शुरू में जो दो आपके आप कह सकते हैं हेक्साडेसिमल की वैल्यू है वो FF ही होंगी, वो फिक्स्ड होंगी। तो इसको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं FF00 को, तो आपको पता है कि इसकी बाइनरी बनेगी, F की बाइनरी बनेगी ये, फिर इस दूसरे F की बाइनरी बनेगी ये, इसकी बाइनरी बनेगी ये, और इसकी बाइनरी बनेगी ये। यानी ये जो 8 बिट हैं, 4 और 4 8, ये आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे /8 लिखा गया है कि इन 8 को आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे आप 1 कर सकते हो, यहाँ पे आप 1 1 कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट ये स्टार्टिंग की जो रेंज है 8 बिट जो है वो फिक्स रहेंगी, एंड दैट इज FF। अगर कोई भी आईपी एड्रेस FF से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब वो मल्टीकास्ट की रेंज है, वो मल्टीकास्ट का आईपी एड्रेस है, राइट। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। एक स्पेशल केस भी है यहां पे, अगर आप FF02 करते हैं सो दैट इज ऑल नोड ऑन द लिंक, राइट। तो ये एक स्पेशल केस है जब आप, दिस इज अ काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट आप कह सकते हैं, जब आप उस लिंक पे एक लिंक जिसमें कि 10 20 50 100 कंप्यूटर है और उन सभी को आप इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, तो आप FF02 double colon 1, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये सवाल है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस आईपी एड्रेस का एक्सपेंशन क्या होगा, ये एक्सपेंड करके 64 बिट्स 128 बिट्स में कैसे लिखा जाएगा, या ये FF02 colon फिर क्या आएगा,
कितनी बार, क्योंकि आपको इसे एक्सपेंड करना है 8 सेगमेंट्स में, तो वो अब आप करके मुझे दिखाएंगे कि भैया ये 8 सेगमेंट में ऐसे ऐसे हो रहा है, वो सारी चीजें अब आपने करनी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ये स्पेशल केस है, आपको याद रखना है। ऑल नोड ऑन द लिंक का मतलब है जब सबको भेजना हो, उस नोड पे जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट है 10, 20, 50, 100, 10,000, तो आप इस आईपी पे भेज सकते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट के अंदर ही यहाँ पे स्पेशल केस होता है और वो इस आईपी की हेल्प से यूज किया जाता है, या फिर आप यहां पर भी कर सकते हैं, राइट? आप उस ग्रुप का हिस्सा बना दें उसको। तो ये दो पार्ट हो गए, यूनिकास्ट आपको समझ आ गया, उसकी रेंज आपको पता है 2001 से स्टार्ट है, और मल्टीकास्ट भी आपको समझ आ गया, उसकी रेंज FF00 से स्टार्ट है, राइट? इसके बाद जो नया एक हम आईपी एड्रेस लेके आए हैं, जो एक नई टाइप लेके आए हैं, दैट इज एनीकास्ट। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज की डेट में नेटवर्क काफी बदल चुका है। जब आईपी वर्जन 4 आया था तो नेटवर्क अलग तरीके का था, आज उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, उसकी जरूरतें अलग हैं, तो फिर हमें एक नई टाइप चाहिए थी जो उन जरूरतों को पूरा कर सके, और वो जरूरतें पूरी करने के लिए जो टाइप हमने बनाई, दैट इज एनीकास्ट। यार ये बाकी आईपी एड्रेस के टाइप से बहुत अलग है, अलग इसलिए है क्योंकि यहां पे आप एक ही आईपी एड्रेस डिफरेंट सर्वर्स को देते हो, यानी सेम आईपी अलग अलग, आप होस्ट तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि यहां होस्ट को नहीं दी जाती है आईपी, सर्वर्स को दी जाती है, बट आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक आईपी मल्टीपल डिवाइसेस को दी जाती है। जी हाँ, ये एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट आया है आईपी वर्जन 6 के अंदर, नहीं तो इससे पहले आपने यही सुना था कि एक आईपी या एक पब्लिक आईपी कभी दो लोगों को नहीं दी जा सकती, बट यहां पे एनीकास्ट के अंदर एक सिंगल आईपी मल्टीपल सिस्टम्स आप कह लें, डिवाइसेस आप कह लें, या सर्वर आप कह लें, मैं होस्ट इसलिए नहीं कहूंगा, कंप्यूटर इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये कंप्यूटर को नहीं दी जाती, ये जनरली सर्वर्स को दी जाती है, ये राउटर को भी नहीं दी जाती जनरली, राइट? या राउटर को आप दे सकते हैं वैसे, अगर यहाँ पे मैंने लिखा भी है, बट ये जनरली सर्वर्स को एलोकेट की जाती है, या उस साइड के सॉरी राउटर को एलोकेट की जाती है, आप ये कह सकते हैं, ये राउटर को जनरली एलोकेट होती है और सर्वर वहां सर्वर तक ये पहुंचती है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जरा आप ये समझ लेते हैं कि एनीकास्ट का मतलब क्या है। द एनीकास्ट एड्रेस इज वेरी सिमिलर टू द मल्टीकास्ट एड्रेस। ये कह रहे हैं कि ये मल्टीकास्ट एड्रेस की तरह है, क्या ये वाकई ही मल्टीकास्ट एड्रेस की तरह है? एक बार देख लेते हैं। सपोज ये एक सिस्टम है और ये कम्युनिकेट करना चाहता है इस सर्वर एक सर्वर के साथ, वो सर्वर क्या हो सकता है? वो सर्वर हो सकता है गूगल का सर्वर, हो सकता है फेसबुक का सर्वर, हो सकता है। तो अब सपोज मैंने टाइप किया, वेयर इज माय डस्टर यार, उसके बाद ना मैं आपको आज आखिर में हमेशा की तरह एक शेर सुनाऊंगा। आजकल मैं बड़ी शेरो शायरी करने लगा हूँ और बहुत जल्दी मैं अपने शेर भी आपको सुनाऊंगा, राइट? जो मेरे पास हैं, जो मैं लिखा करता था कॉलेज टाइम में, यूनिवर्सिटी टाइम में, तो उसके लिए एक मैंने अलग से कार्डेड जो कंडेंसर माइक मंगाया है, तो वो आते ही मैं वो वीडियोज भी आपको अपलोड करूंगा, क्योंकि शेरो शायरी भी जरूरी है, राइट? तो चलिए चलिए पहले बाद में बात करेंगे, पहले टॉपिक फिनिश कर लेंगे, तो आप बोलोगे यार आप फिर शुरू हो गए, राइट? तो द एनीकास्ट एड्रेस इज वेरी सिमिलर टू द मल्टीकास्ट एड्रेस। और यहाँ पे होता क्या है, ये देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो एक आईपी है, ये सपोज ये सिस्टम बात करना चाहता है, मैं बात करना चाहता हूँ गूगल से, तो मैंने गूगल क्रोम में जाके टाइप, सपोज मैंने अपने किसी भी ब्राउजर में जाके टाइप किया, या मैं फेसबुक टाइप करता हूँ www.facebook.com, राइट? तो ये जो facebook.com है, जब मैं इसे टाइप करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा www.facebook.in में, राइट? ये डॉट इन हो जाएगा। अगर आप इसे यूनाइटेड अरब अमीरात में ले जाएंगे तो ये AE हो जाएगा, आप यूनाइटेड किंगडम में इसे ओपन करेंगे तो UK हो जाएगा, ऐसे ही आप अगर www.google.com भी टाइप करते हैं तो वो भी चेंज होकर क्या हो जाता है, .uk हो जाता है, .co.uk, या इंडिया में ओपन करेंगे तो .co.in हो जाएगा, आप अरब अमीरात में करेंगे तो AE हो जाएगा, वियतनाम में करेंगे तो VN हो जाएगा, चाइना में करेंगे तो CN हो जाएगा, आगे का पार्ट सेम रहेगा। यानी कहने का मतलब कि यार हम जिस कंट्री में हैं वहां पे ये अपने आप चेंज कर रहा है, तो चेंज क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां पे ये सर्वर अलग है, चाइना का सर्वर अलग है, वियतनाम का सर्वर अलग है, तो उस सर्वर पे जाके वो हिट कर रहा है। बट मैंने तो सिंपल www.google.com टाइप किया है, पर वो किस सर्वर को हिट कर रहा है, इंडिया के सर्वर को हिट कर रहा है, यूके के सर्वर को हिट नहीं कर रहा है। कहने का मतलब इन सबको एक आईपी दी जाती है, दैट आईपी इज एनीकास्ट आईपी। और उससे फायदा क्या होता है कि दुनिया में जो भी नियरेस्ट सर्वर उसको मिल जाएगा, सबको सेम आईपी दी हुई है मैंने, तो भैया जो भी उस आईपी से जो भी सर्वर पहले
नियरेस्ट पड़ा हुआ होगा वहां आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, राउटर आपकी रिक्वेस्ट को वहां भेज देगा ताकि आप जल्दी एक्सेस कर सके, आपको रेस्पॉन्स जल्दी मिल सके। और आज की डेट में हर चीज के लिए यही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट जल्दी खुलनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। और इसके लिए बनाया गया है भैया एनीकास्ट एड्रेस। एनीकास्ट क्या करता है, सपोज ये मेरी एक मैंने मेरा एक कंप्यूटर है, मैं ही बैठा हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं बना दूं, मैं खुद को भी बना देता हूँ, ठीक है, तो मैं खुद को बना देता हूँ, ये बल्ले बल्ले है ना, तो मैंने खुद को बना दिया और मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैप भी लगा दूं, वो जो कैप आती है ना आजकल, कौन सी कैप होती है, स्वैग वाली है ना, तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस पीसी को और मैंने टाइप किया www.google.com, राइट। तो ये जो है ये सर्वर पड़ा हुआ है यूएस में, ये सर्वर पड़ा हुआ है यूके में, अच्छा उससे भी मतलब नहीं है, मतलब क्या है नंबर के राउटर्स, नंबर ऑफ राउटर्स। सपोज ये रिक्वेस्ट यहां पे गई, बीच में एक ही राउटर आया, ये रिक्वेस्ट यहां पे गई, यहां पे दो राउटर आए, ये रिक्वेस्ट यहां इस सर्वर पे जाने के लिए तीन राउटर बीच में आएंगे। अगर इस ये सिस्टम इस सर्वर से कम्युनिकेट करता है तो बीच में तीन राउटर पड़ रहे हैं, तो यहां सबसे कम राउटर पड़ रहे हैं, बीच में एक ही राउटर है और डिस्टेंस भी ये देखता है, डिस्टेंस की भी बात होगी। तो यहां पे अगर आप देखें तो सबसे जो नंबर ऑफ राउटर्स है वो सबसे कम इस वाले सर्वर से है, इसके और इस सर्वर के, इस पीसी और इस सर्वर के बीच में सिर्फ एक राउटर आ रहा है, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये क्या करेगा, क्योंकि तीनों की ही आईपी जो है वो सेम है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट यहां हिट करेगी क्योंकि ये पहले पहुंच जाएगा, और ये इंडिया में होगा इसलिए भी पहले पहुंच जाएगा, यूएस में होगा तो ऑब्वियसली वो रिक्वेस्ट वहां तक देर में जाएगी। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यूएस, यूके और इंडिया तीनों का ही सेम आईपी है, एनीकास्ट आईपी है तीनों के पास, सेम टू सेम आईपी है, तो यहां से मेरी रिक्वेस्ट अपने आप राउटर्स पर चली जाएगी और जो भी राउटर सबसे पहले उस सर्वर तक पहुंच जाएगा वो रिक्वेस्ट वहां एक्सेप्ट हो जाएगी, फिर ये यहां नहीं जाएगी, ये सब जगह जाएगी, एक बार जहां पहुंच गई वहां पहुंच गई, यानी जिस राउटर को सबसे पहले वो आईपी मिल गया कि भैया ये आईपी तो मेरे पास पड़ा हुआ है और मेरे नियरेस्ट पड़ा हुआ है, तो वो रिक्वेस्ट वहां से एक्सेप्ट हो जाएगी, आपको रेस्पॉन्स यहां से मिलेगा, फिर यहां से आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और ऐसा तभी होगा जब अगर आप इंडिया में बैठे हैं तो ऑब्वियसली आपकी रिक्वेस्ट इंडिया में से ही जल्दी आएगी बजाय इसके कि यूएस को जाए। तो होता क्या कि इंडिया की सारी रिक्वेस्ट इंडिया के सर्वर से ही एक्सेस हो जाती हैं, ऐसे जो बंदे यूएस में बैठे हैं वो यूएस के सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं और जो यूके में बैठे हैं वो यूके के सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं, इससे ट्रैफिक भी मैनेज हो जाता है, हर कंट्री का ट्रैफिक वहां के सर्वर पे हिट कर रहा होता है, तो अननेसेसरी एक ही कंट्री के सर्वर पे ट्रैफिक नहीं पहुंचता। और दूसरा आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि इंडिया के यूजर्स को इंडिया से ही रेस्पॉन्स मिलेगा तो जल्दी मिल जाएगा, बजाय उनकी रिक्वेस्ट अगर यूएस में जाएगी तो इट विल टेक टाइम, राइट। तो एनीकास्ट का पर्पज ही ये था कि भैया एक सेम आईपी सबको दे दो और जहां से भी पहले रेस्पॉन्स मिल जाए वहां से वो रेस्पॉन्स उसको दे दिया जाए, राइट। तो यहां से इसको रेस्पॉन्स पहले मिलेगा तो यहां से ही इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होके इसको यहां पे रेस्पॉन्स मिल जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनीकास्ट। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, चलिए पहले इसकी थ्योरी पढ़ देते हैं। असाइनिंग ए यूनिकास्ट एड्रेस टू मोर देन वन इंटरफेस मेक्स ए यूनिकास्ट एड्रेस एंड एनीकास्ट एड्रेस, यानी एनीकास्ट अगर बनाना है तो इसकी अलग से कोई रेंज नहीं है, आप इसी रेंज की आईपी को आप यहां पे एक से ज्यादा सिस्टम को दे दो वो अपने आप एनीकास्ट बन जाएगी, यानी यूनिकास्ट की यूनिकास्ट आईपी जो है या यूनिकास्ट की जो ये रेंज है इसी रेंज की आईपी आप ज्यादा सर्वर्स को दे दो तो वो अपने आप एनीकास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो ये आपको समझ आ गया। पैकेट सेंड to anycast address is delivered to the closest interface, यानी वो पैकेट जो सबसे नियरेस्ट होगा वहां पे ही पहुंचेगा और वहीं से उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होके उसको रेस्पॉन्स मिलेगा, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं, राइट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये मेरा एक सपोज मैं ये एक दुनिया है हमारी और यहां पे ये एक सर्वर पड़ा हुआ है यूएस के अंदर, एक सर्वर पड़ा हुआ है यूके के अंदर, एक सर्वर पड़ा हुआ है इंडिया के अंदर और मेरा यूजर यहाँ पे बैठा है, तो ये ऑब्वियसली डिस्टेंस पास है इसके, यूके इससे दूर है इंडिया में और यूएस भी इससे दूर पड़ रहा है, तो इसकी जो रिक्वेस्ट है वो यहीं से एक्सेप्ट हो जाएगी, राइट। तो दिस इज लाइक दैट, राइट। तो आपको समझ आ गया होगा आई होप। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि एनीकास्ट आईपी हमेशा राउटर को दी जाती है, कभी भी होस्ट यानी कि कंप्यूटर को नहीं दी जाती, ये राउटर को दी जाती है। तो जो भी राउटर पास होगा, सपोज मैंने ये एनीकास्ट आईपी इधर राउटर को दे दी है, इस राउटर को मैंने प्रोवाइड करा दी, सर्वर को दी होती है एक्चुअली और सर्वर इस राउटर से कनेक्ट होते हैं, तो आप सर्वर कह सकते हैं या आप राउटर भी कह सकते हैं, दोनों ही बातें आप कह सकते हैं। थ्योरी में देखा जाए तो वहां पे राउटर ही लिखा मिलेगा आपको किताबों के अंदर, बट जनरली आईपी सर्वर को दी जाती है, बट कभी भी एक इंडिविजुअल सिस्टम को, वर्क स्टेशन को नहीं दी जाती, राइट। ये आप याद रखिए, सर्वर अपने आप में राउटर का भी काम करते हैं, तो
वहां पे ये आईपी एलोकेट की जाती है। तो आप सर्वर को दे दें या फिर आप राउटर को दे दें, ये आप कह सकते हैं, बट ये कभी होस्ट को नहीं दी जाती, यानी एक इंडिविजुअल पीसी को, कंप्यूटर को नहीं दी जाती एनी कास्ट आईपी, राइट। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि भैया ग्लोबल एड्रेस क्या होता है, लिंक लोकल एड्रेस क्या होता है और यूनिक लोकल एड्रेस क्या होता है, जो कि तीनों टाइप है यूनिकास्ट की। तो उससे आगे हम ये पढ़ेंगे। तो ये तीनों टाइप आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आई है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि ये मुझे समझ आ गई है। मैं इससे आगे इसको अभी नहीं बना रहा हूं, इसी के अंदर मैं इसे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं इन तीनों टाइप को यूनिकास्ट की। रीजन ये है कि लेक्चर लंबे हो जाते हैं और फिर आपको भी थोड़ी परेशानी होती है उतने लंबे लेक्चर एक ही बार में कंप्लीट करने की। तो कोशिश कर रहा हूं कि थोड़े छोटे ही लेक्चर रखूं ताकि आप चलते फिरते मेट्रो में, बस में या कहीं पर भी आप इन्हें पढ़ सके। और आपकी मोहब्बतों के लिए शुक्रिया। कई लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर AWS की सीरीज भी शुरू करो और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की भी सीरीज जो आपकी बनाई है आपने, उसमें आगे और लेक्चर्स डालिए। मैं कोशिश करूंगा यार डालने की, बट मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरे प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार AWS पे रिस्पॉन्स बहुत ठंडा है यार। मैं मतलब मुझे मजा नहीं आया। मैंने सीरीज को बड़ी मोहब्बत से बनाया था, बड़ा मोहब्बत से मैंने वो सीरीज स्टार्ट की थी, बट उतना रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। मुझे मेरे 1000-2000 व्यूज है एक वीडियो के ऊपर, ऑल्दो वो सारे के सारे जिन्होंने वो वीडियो देखे हैं वो मतलब बड़ा फैन हो गए हैं उन वीडियोस के, क्योंकि उतना इजी वे में यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया, बट स्टिल वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो यार मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई वीडियो आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो तुरंत एक शेयर का भी ऑप्शन होता है यूट्यूब में नीचे, यार एटलीस्ट आप उसे फेसबुक पर शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, मेरी मेहनत भी सफल हो, मैं इतना जो एफर्ट लगा रहा हूं इतने डीप में जाके जो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, यार वो कम से कम मुझे ऐसा लगे कि मेरे सब्सक्राइबर मेरी मदद कर रहे हैं लोगों तक मेरी बात पहुंचाने में, और हो सकता है बहुत सारे लोगों की इससे नौकरी लग जाए, बहुत सारे लोगों के अच्छे मार्क्स आने में ये मदद करे। तो यार हमें इस नेकी के काम में आप भी मेरे साथ हाथ से हाथ मिलाइए, कंधे से कंधा मिला के यार मेरी मदद करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे फैलाने की कोशिश करिए, दिल खोल के फैलाइए। और मुझे कमेंट में भी बताइए कि सर आज मैंने अपनी पूरी क्लास के साथ शेयर किया है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया है, मैंने फेसबुक पे डाला है, लोगों के ये रिस्पॉन्स आ रहे हैं और लोगों ने आपको सब्सक्राइब भी किया होगा। यार मुझे प्लीज आप बताया करो यार, कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू मेरे साथ करिए। इसलिए मैंने तो अपने चैनल का नाम भी टेक्निकल गुफ्तगू रखा है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से मुखातिब हो सके, बात कर सके। और बाकी बस यही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा इसको स्टडी करो और कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाले हैं उन्हें भी हम पढ़ेंगे। और ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।